हाय हाय, लो भाई साधु महाराज, सिरसागढ़ तो आ गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, अगर तुम ना होते तो हमारी गाड़ी वहीं पर फंसी रह जाती और हम भात भरने के लिए लेट। अच्छा भाई, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अरे भाई साधु महाराज, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? अरे भाई, हम जूनागढ़ से आए हैं और हमें मनसामल सेठ के यहाँ भात भरने के लिए जाना है। हम उनके भाताई हैं। मनसामल सेठ के यहाँ? अरे ये साधु मुस्टंडे क्या बात भरेंगे, हमने तो सुना था मनसामल सेठ का सिंधी बहुत बड़ा सेठ है। अरे ये तो कोई भिखमंगा लगता है। चल भाई चल। सागर में मची अवाई, उस नरसी के आने की सारा शहर इकट्ठा हो गया। हंसी कर बाने की सर सागर में मची अवाई, नरसी भात
बात कहते हुए शर्म नहीं आती? भक्ति नहीं है वो, एक टूटी सी गाड़ी है, वो चार पांच साधु हैं, उन पे तो ढोलक चिमटा बाजा है और भात का सामान तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तू तो अपने पियर की बहुत बड़ाई करती थी, अब देखते हैं तेरे भात में वो क्या क्या देते हैं। उनके ठहरने के लिए गौशाला खुलवा दो और नायकों को मेरे पास भेज दो। ठीक है। हरनंदी, तुमने मुझे बुलवा था? हाँ, ठाकुर साहब मेरे पिताजी के लिए गर्म पानी पहुँचा दो ताकि वो अपने हाथ पैर धो सके। पानी तो मैं पुछवा दूंगा, पर मेरा नेक कौन देगा? वो तो मुझे पहले कंगाल दिखे। ए नायके, जबान संभाल के बात कर, मेरे पिता को तो कंगाल बताता है। तुझे यकीन नहीं आता? अपनी आंखों से जाके देख ले, मुझे तो बहुत काम है, पानी भी अपने आप पुचा दिए। नायके, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, वरना तेरी ये मजाल जो तू कुछ कह सके। चल जा, ये पानी वहाँ पहुँचा दे। और मेरा नेक कौन देगा? पिता की खातिर पानी ले जा, पिता की खातिर पानी ले जा, क्यों कर टाइम लगाया मेरी खातिर नरसी पहना।
आड़स में होती है कमी कुदरती सारी। ओछा चोखा ना हो से मने क्यों सौ बात सुनारी। ओछा चोखा ना हो से मने क्यों सौ बात सुनारी। तबीयत ललचारी तेरी तू, तबीयत ललचारी तेरी है। अरनंदी तू कहती है तो मैं पानी पहुंचा देता हूं, पर उसके पास देने को कुछ नहीं है। नरसी सेठ
तेरी लड़की हरनंदी ने तेरी खातर गर्म पानी भेजा। अच्छा ठाकुर साहब, रख दो यहीं पे। अरे ठाकुर साहब, यह तो बहुत गर्म है, इसमें मिलाने के लिए थोड़ा ठंडा पानी और ले आओ। मैं तेरे नौकर नहीं लग रहा, नाना हो तो इसी में ना। अरे ठाकुर साहब, इसमें तो मेरी काया जल जाएगी। मुझे नहीं पता जलेगी नहीं जलेगी। इसमें जो है अपने आप लिया जाके और ना ले। यो पानी गरम घना नाई के, तू ठंडा और मिला ले। तू कित का भगत बना हांडे में ऊपर ते बरसा ले। कित का भगत बना हांडे में ऊपर ते बरसा ले। यो पानी घना गरम नाई के, ठंडा और मिला ले। कित का भगत बना हांडे में ऊपर ते बरसा ले। भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसा ले। कर्म और कादे मैं आप मिला के नहा लूंगा, बस ठंडा पानी ला दे। नाने ते पहले नरसी तू मेरा नेक चुका दे। नाने ते पहले नरसी तू मेरा नेक चुका दे। उबल रहा पानी भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसा ले। कित का भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसा ले। टहलुआ भी इज्जत क्यों बिना तराजू तोले। छोटा खोटा नाई के मत मेरा कालजा छोले। तेरे जैसे भिक मंगे नुही ठोकर खाते डोले। तेरे जैसे भिक मंगे नुही ठोकर खाते डोले। भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसा ले। कित का भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसा ले। कृष्ण जी के तेरी रिश्तेदारी, नेग चुकावे कृष्ण जी के तेरी रिश्तेदारी। आकर के मेरी मदद करे वो कान्हा बंसी वाले। कित का भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसा।
भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसाले। ठोस हरे राम बैसले घट हनुमान बनाइए, छंद ठोस हरे राम बैसले घट हनुमान बनाइए। जोट रविंदर को सिंदर की मीठे स्वर में गाले, टिटका भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसाले। भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसाले। पानी घना गरम नाई के ठंडा और मिलाले, का भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसाले। का भगत बन्या हांडे में ऊपर ते बरसाले। हे कृष्ण कन्हैया, हे त्रिलोकी दीनानाथ, आज तेरे इस भगत की लाज तेरे हाथ में है। इस नायिके को दिखा दे कि तू वाकई भक्तों के लिए बना है, और थोड़ा मेह बरसा के इस गर्म पानी को ठंडा कर दे। आओ बेटी हरनंदी। मत कहो मुझे बेटी, तुम बाप कहलाने लायक ही नहीं हो। ऐसा मत कहो बेटी हरनंदी, मेरा और तुम्हारा तो बाप बेटी का नाता है। अच्छा होता जो तुम मेरा भात लेकर ही ना आते, कम से कम मेरी बदनामी तो ना होती। मेरी सास ननद तायस पीतस सभी मेरी बदनामी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरा बाप आया है भिखारी के रूप में। मैं जिस लायक था बेटी तेरे दरवाजे पे मौजूद हूँ, और भाती तो भाव का भूखा होता है बेटी हरनंदी। अगर त्रिलोकी दीनानाथ कृष्ण का नहीं आने चाहा तो तेरा भात भी अच्छा भरेंगे बेटी हरनंदी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा भात, अगर कुछ शर्म बाकी हो तो चले जाओ यहाँ से, मैं सोचूंगी मेरा कोई है ही नहीं। बेटी हरनंदी, चाहे तुम कितनी भी बेइज्जती कर लो सहन कर लूंगा, लेकिन वापस जाने की बात मत कहो बेटी हरनंदी। जिस भाती से इज्जत घटती हो वो भाते किसी काम का नहीं। और हाँ, तुम तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ओ अभी अड़े ते चाल्या जा, मन नहीं जरूरत तेरी। अरे क्यों धमकावे री लाडो मत, इज्जत तार मेरी। क्यों धमकावे री लाडो मत, इज्जत तार मेरी लाडो मत, इज्जत तार मेरी।
से तो फर्क नहीं मरा खुश सही है रघुराई, लोग हंसे तो फर्क नहीं मरा खुश सही है रघुराई। ओ मेरी नाड़ हुई नीची में टिके बन रही बड़ी बडेरी, तेरी ऊंचा नीचा सर करना उस ईश्वर की हत फेरी, होता नहीं दाम का।
ठीक है, मेरी बदनामी तो तुमने करा ही दी, अब जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। अरे वो नायके। हाँ जी। भात लेने का टाइम हो गया, अगल बगल जाके पड़ोसियों को बुलावा दे क्या? अच्छा सिटाणी जी, अभी चल बेटी। अरे ताई, मनसा सेठ के यहाँ ते भात का बुलावा है, भात लिए जा। भला आ जियो। अरे बुआ, मनसा सेठ के यहाँ ते भात का बुलावा है, चली जाइए। हाँ, अरे मनसा सेठ के यहाँ ते भात का बुलावा है, आ जाइयो। भला मनसा सेठ के यहाँ ते भात का बुलावा है। ये ले, इसे वहाँ जल्दी दे क्या? अरे हर नंदी, तेरे भात का सामान आ गया है। क्या कहा? एक आदमी सोने के रहते बहुत सारा सामान लेकर आया है। तुझे मैं सोने का हार दूंगी। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नरसी सेठ, चलो भात की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। चलो ठाकुर साहब, कृष्ण कन्हैया ही हमारी लाज रखेंगे, हम तो सब उन्हीं के भरोसे आए। भात का तो सारा सामान आ चुका आपका। कहाँ है सामान? सोने के रथ में लदा खड़ा है, और जो लेके आ है वो अपने आप को आपका नौकर बता रहा है। मेरा नौकर? ठाकुर साहब, ये तो यशोदा के छैया कृष्ण कन्हैया का चमत्कार है, वो हमारी लाज जरूर रखेंगे। चलो भाई भात में, हम तो उसी के सहारे आए हैं। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हर नंदियारिता कर रही साचे हर काचो की पे चंदा साचे हर काचो
अरे हमने तो जैसा सोचा था ऐसा ही पा, सोने के रथ में भात का सामान आया। अरे मैं तो पहले क्यों था कि नरसी सेठ कैसे कम ना है और देख भात में क्या क्या देवेगा। सिरसागढ़ की वासियों, जिसे जो चाहिए वो मांग लेना, आज नरसी सेठ बाबा जी के बाने में भात भर रहे हैं, फिर मत कहना कि मुझे कुछ नहीं मिला। अरे जो जो बनता नेग बात का, अपना सब ले जइयो रे, ब्राह्मण धोबी धीमर नाई सारे ने कृष्ण कन्हैया, आज आपने इस नरसी की इज्जत को बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। आज मुझे विश्वास है कि भगवान भगत के लिए बना है।
आज तक मुझे आपने किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। समय समय पर आकर आपने मेरी इज्जत को बचाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। नरसी, मैं तो भक्तों के लिए ही बना हूँ। जब भी किसी मेरे भक्त पर भीड़ पड़ती है, मैं उसको सहारा देता हूँ। और तुमने तो मेरे नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया। तुम मेरे प्रिय भक्तों में गिने जाओगे और इतिहास भी गवाह रहेगा कि नरसी जैसा भात कोई नहीं भर सकेगा। घनी आत्मा खुशी तपस्या होगी सफल हमारी रे, मिले कर्म फल लिखी कृष्ण की गीता साफ बता रही रे। घनी आत्मा खुशी तपस्या होगी सफल हमारी रे, मिले कर्म फल लिखी कृष्ण की गीता साफ बता रही रे। घनी आत्मा खुशी तपस्या संगत की डोर थाम के, सत संगत की डोर थाम के कर ली भक्ति थारी रे। मिले कर्म फल लिखी कृष्ण की गीता साफ बतारी रे। घनी आत्मा खुशी तपस्या मैं।
आरती बड़ी बताई रे। बिगड़े कारज सार दिए नू दुनिया करे बढ़ाई रे। इस बर के रटने ते होती दिन दिन कला सबाई रे। मिल भलाई ऋषि पाल ने मिल भलाई ऋषि पाल ने। कृष्ण की